हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों को पहले दिल से तहे दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगी दोस्तों। ये मेरे डेली ब्लॉग चैनल है और इसमें मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो इस पर कभी कभी मेरे को जब थोड़ा बहुत मुझे लगता है आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना है तो मैं आप लोगों के साथ में अपने कुछ तर्क शेयर कर लेती हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था। जैसे कि आप सब जानते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक आयोजित हो गया दोस्तों। लाखों की संख्या में कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए। जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए उनका यह कहना है कि इस बार पेपर केवल हार्ड नहीं था। अब ऐसे में वह जानना चाहते हैं कि इस बार उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ कितनी जाएगी। भाई बात भी सही है, साथ ही न्यूनतम कितने अंक वालों का सिलेक्शन होगा, ऐसा इन लोगों का मानना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी। तो इसका सिलेबस भी मिनिमम वही था, उत्तराखंड करेंट अफेयर्स वगैरह वगैरह। सो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम बात करें तो जनरल की रहेगी 74 to 69। ठीक है, ओबीसी की 72 से 766 और ईडब्ल्यूएस वालों की 68 से 64 और एससी वालों की 57 से 52 और एसटी वालों की 63 से 58। तो ये दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो रहने वाली है फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्ज़ाम्स की। तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो और भी आने वाले हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और पेपर देते रहिए। क्योंकि देखो जो भी है फिजिकल तो अपने हाथ में है, फिजिकल भी इसका बहुत टफ होता है। तो दोस्तों फिजिकल की भी तैयारी करते रहो, जिन लोग को लगता है कि उनका एग्ज़ाम एवरेज में गया है वो लोग फिजिकल की तैयारी करते रहो, अपना रनिंग वनिंग एकदम बढ़िया करके, क्योंकि फिजिकल भी इसका टफ होता है। तो आप उसकी भी तैयारी करते रहो और बाकी और जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, क्योंकि कई क्या हो गया ना कि रिटिन की तैयारी करते करते क्या हो गया है कि कई एग्ज़ाम्स की तैयारी हो गई है, क्योंकि उसमें सिलेबस मिनिमम कभी किसी ना किसी का एक जैसा ही है बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़े बहुत पेपर की नहीं बल्कि बहुत हद तक पेपर की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उसको पेपर की तैयारी करते रहो और आगे जो भी पेपर हैं आपके उनकी भी तैयारी करते रहो दोस्तों। तो ये इसको बिल्कुल भी बीच में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग ने जितने भी प्रॉपर अपने नोट्स बना रखे हैं या जहाँ भी आप लोग ने कोचिंग करी थी उन सब नोट्स को संभाल के रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पड़ा हुआ आगे भी काम आने वाला है। ठीक है, तो अपने नोट्स को भी संभाल के रहें और इसी तरह आप लोगों को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक और सिलेक्शन हो जाएगा अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग मान के चलिए। तो आप एक बार आंसर की इसकी आई थिंक आ गई, तो आप लोग मिला लीजिए अपनी आंसर की और देख लीजिए आप लोगों के कितने कितने मार्क्स हैं और मुझे कमेंट करके बताओ एक बार आप लोगों के कितने कितने मार्क्स हैं और आप लोग किस हद तक सही करके आए हो पेपर। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स पर कर भी अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा तर्क और सुझाव मुझे दें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इसलिए मैं बहुत काफ़ी टाइम से जब से पेपर हुआ मेरा वीडियो नहीं आया, तो मैंने अभी बनाया नहीं हाल फिलहाल में, मैं थोड़ा बिजी चल रही थी। तो अब भी मैंने वीडियो बनाया है, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ दोस्तों आप लोग एक बार ध्यान से मेरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को जो भी सही लगता है सही, जो भी गलत लगता है, देखो अपॉर्चुनिटी हर किसी को है, अगर किसी को सही लग रहा है तो सही, किसी को गलत लग रहा है तो गलत। ठीक है, धन्यवाद जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया उसके लिए, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।